ठीक है, तो हम बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर, इसमें हम जो कुछ चीजें हैं वो मैं आपको शुरू में प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ा चुका हूँ, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंस में, ठीक है। अब हम इसमें जो रिमेनिंग उसके कंपोनेंट्स रह जाते हैं, इस तरह फॉर एग्जांपल सेल एनवेलप जो है बैक्टीरिया का, उसकी डिटेल के, सेल एनवेलप जो होता है वो किस किन चीजों से बनता है, उनकी डिटेल क्या है, सेल वॉल की स्ट्रक्चरल डिटेल है उसको पढ़ेंगे। बाकी की जो स्ट्रक्चर है वो हमने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में पढ़ लिया था। चलिए, बैक्टीरिया का जो सेल स्ट्रक्चर है इसमें मुझे बताएं, बैक्टीरिया की जो सेल टाइप है, यानी कि जो हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा, बैक्टीरिया की सेल टाइप क्या है? प्रोकैरियोटिक। तो बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, और हम सबको पता है कि बीइंग प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया होते हैं दे आर यूनिसेलुलर। जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर होंगे, ठीक है। इसके अलावा बाकी की डिटेल्स हम ये डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर को। तो जो बैक्टीरिया होते हैं उनके जो सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है दैट इज सेल वॉल, क्योंकि बैक्टीरिया के पास वी ऑल नो कि सेल मेम्ब्रेन से बाहर सेल वॉल भी मौजूद होती है। ठीक है, अच्छा जी, सेल वॉल के बाहर बैक्टीरिया के पास एक एक्सटर्नल कोट भी होता है, जो बैक्टीरिया के पास सेल वॉल के बाहर एक एक्सटर्नल कोट होता है उसको बोला जाता है ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट एंड यूनिसेलुलर, और इसके बाहर जो कोट है उसको ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाएगा। तो हम ग्लाइकोकैलिक्स से ही शुरू करते हैं, दिस इज द आउटर मोस्ट कोट ग्लाइको कैलिक्स। जिसकी अभी हम डिटेल पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल। ग्लाइको कैलिक्स के बाद दिस इज कॉल्ड एज सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। सही, सेल वॉल के नीचे स्ट्रक्चर जो होगा फॉस्फोलिपिड बायलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर फ्लोटिंग, फ्लूइड मोजेक मॉडल के अकॉर्डिंगली इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज बीनीथ सेल वॉल, इट इज सेल मेम्ब्रेन, जिसकी बहुत डिटेल हम यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं। इट इज लिपोप्रोटीन इन नेचर, फॉस्फोलिपिड बायलेयर इन विच प्रोटीन्स आर एम्बेडेड। हाँ, हमने एक डिफरेंस पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन होती है हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूकेरियोट्स, तो इसमें स्टीरोल्स नहीं होंगे। हम सेल मेम्ब्रेन से मुतल्लिक हमने ये चीज पढ़ी कि इसको फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की वजह से इसकी केमिकल नेचर कहलाएगी लिपोप्रोटीन, इसका स्ट्रक्चर फ्लूइड मोजेक
मॉडल एक्सप्लेन कर रहा होगा, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस ये होगा यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन से कि इट लैक्स स्टीरोल्स, और इसका भी मेन फंक्शन ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करना होगा। ये सब चीजें हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। यदि सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इन दोनों की डिटेल हम अभी जरा देखते हैं एंड पे। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है वो साइटोप्लाज्म होगा। इस साइटोप्लाज्म में ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए का मॉलिक्यूल होगा। साइटोप्लाज्म में ये मौजूद होता है, तो इसको न्यूक्लियोइड भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही मौजूद है, उस एक पर्टिकुलर एरिया को इसने घेरा होगा। दिस इज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड असल में क्या होता है, सिंगल मॉलिक्यूल होता है, लेकिन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ये जो सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये सर्कुलर मॉलिक्यूल होगा जो कि इसके सेल का कंट्रोल सेंटर है। क्योंकि ये सिंगल है, इसलिए बैक्टीरिया हमेशा हैप्लॉइड होंगे। हाँ, अगर इस तरह का डबल होता या डबल जीन्स होते हर एक पे, तो ये भी डिप्लॉइड हो जाता। ये सिंगल मॉलिक्यूल है, इसलिए ये हैप्लॉइड कहलाएगा बैक्टीरिया। इस डीएनए पे बड़े इंपॉर्टेंट और एसेंशियल जीन्स होते हैं बैक्टीरिया के पास, ठीक है, और जो कि बैक्टीरिया के सेल के ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको स्टेन किया जाता है फ्यूलगन स्टेन से। न्यूक्लियोइड के बाद दिस होल जेली लाइक जो सबस्टांस है इसके अंदर, इट विल बी कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। हम जानते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है, इसकी ओवरऑल कंसिस्टेंसी जेल लाइक है। बैक्टीरिया में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो सब के सब साइटोप्लाज्म में होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के पास ऑर्गेनेलीज नहीं है, तो दैट इज व्हाई इट इज द साइट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल, बायोएनर्जेटिक्स में हमने पढ़ा ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, फर्मेंटेशन, जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन थी, वो सब के सब साइटोप्लाज्म में होंगे। साइटोप्लाज्म में बैक्टीरिया के पास जो ऑर्गेनेलीज होते हैं, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज जो कि स्कैटर होंगे इस बैक्टीरिया के सेल में थ्रू आउट इट्स साइटोप्लाज्म। इन नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज को राइबोसोम्स कहा जाएगा। इसकी भी हमने पूरी डिटेल राइबोसोम्स के टॉपिक में पढ़ी। मैंने आपको राइबोसोम्स के टॉपिक में ये बताया था कि जो बैक्टीरिया के पास राइबोसोम्स होते हैं, वो फ्री राइबोसोम्स होंगे या अटैच्ड राइबोसोम्स होंगे। बैक्टीरिया के पास जो राइबोसोम्स होते हैं, वो फ्री राइबोसोम्स होंगे या अटैच्ड राइबोसोम्स होंगे। पहली बात तो ये कि बैक्टीरिया के पास जो राइबोसोम्स होते हैं, दे आर 70S राइबोसोम्स, जिनके दो सब यूनिट्स होंगे 70S राइबोसोम्स के, 30S स्मॉलर एंड 50S लार्जर राइबोसोम्स होते हैं। और यानी कि 70S का जो हम उसे स्प्लिट करेंगे, वो 30 और 50S होंगे। बैक्टीरिया के राइबोसोम्स फ्री भी होते हैं और अटैच्ड भी होते हैं। मुझे बताइए कि बैक्टीरिया के राइबोसोम फ्री कहां पर मौजूद होंगे
और अटैच अगर होंगे तो किसके साथ होंगे बैक्टीरिया में राइबोसोम्स? फ्री तो साइटोप्लाज्म में हो गए ना, अटैच किसके साथ होंगे? बिल्कुल ठीक है, जो डायग्राम में भी नजर आ रहा है, अटैच टू सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होंगे, और फ्री होंगे तो साइटोप्लाज्म में होंगे। राइबोसोम्स का काम बैक्टीरिया में क्या होगा? जो राइबोसोम्स हैं इन इन बैक्टीरिया दे विल बी इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होंगे। राइबोसोम्स का फंक्शन आप सब ठीक बता रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। अच्छा, हमने ये बात भी पढ़ी कि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, बाज़ुकात ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए भी मौजूद होता है। दिस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, दिस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड। लेकिन ये चीज याद रखें कि ये जो प्लाज्मिड है ये सब बैक्टीरिया में नहीं होता, मतलब इट इज नॉट एसेंशियल कि सब बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड होगा, कुछ में होगा कुछ में नहीं होगा। सेल वॉल तकरीबन सब में होती है, आप सब जानते हैं, माइकोप्लाज्मा की एक्सेप्शन है। सेल मेम्ब्रेन सब में होगी, साइटोप्लाज्म सब में होगा, राइबोसोम सब में होंगे, प्लाज्मिड जो होते हैं दे आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल। जो प्लाज्मिड होते हैं इनके पास यूजली ये बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं, और ये रेजिस्टेंट जीन्स को कैरी करते हैं। ये रेजिस्टेंट जीन्स एंटीबायोटिक्स के लिए भी हो सकते हैं, इंसेक्ट्स के लिए भी हो सकते हैं, और यही प्लाज्मिड्स एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन, उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं। ऑल राइट, अच्छा, फिर बैक्टीरिया के पास जो बैक्टीरिया बैक्टीरियल सेल्स हैं, इनके कुछ बैक्टीरिया के पास इस तरह सेल मेम्ब्रेन से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी इमर्ज करता है। दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स मोटिलिटी टू बैक्टीरिया, इसको बोलते हैं फ्लैजेला। फ्लैजेला की भी हम इन दोनों से सेपरेट डिटेल अभी पढ़ेंगे कि जो फ्लैजेला होते हैं ये मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इनकी कौन सी टाइप होती है। फ्लैजेला जिस जगह से इमर्ज होते हैं दैट इज सेल मेम्ब्रेन, आप इस डायग्राम से देख सकते हैं, और सेल मेम्ब्रेन में जिस जगह से ये इमर्ज होते हैं दैट पार्ट इज कॉल्ड एज दिस पार्ट, इट इज कॉल्ड एज बेसल बॉडी। इसकी हम डिटेल अलग से भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमने जनरल स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है बैक्टीरिया के सेल का। नाउ कमिंग बैक टू ग्लाइकोकैलिक्स, अब हम सेल मेम्ब्रेन को क्योंकि पहले पढ़ चुके थे इसलिए इसकी मैंने ब्रीफ डिटेल बता दी। साइटोप्लाज्म को पढ़ चुके हैं, राइबोसोम्स को पढ़ चुके हैं, प्लाज्मिड्स का जिक्र कर दिया। अब न्यूक्लियॉइड की डिटेल हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में पढ़ चुके हैं। अब हम ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, फ्लैजेला और फिर उसके साथ साथ जो कुछ स्पोर्स सिस्ट्स वगैरह हैं उनकी डिटेल पे उनकी डिटेल को स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ग्लाइकोकैलिक्स। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है बैक्टीरिया में ये दो फॉर्म्स में हो सकता है,
आउटर कवरिंग है। एक चीज मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स में भी बताई कि ये जो लफ्ज आ रहा है ग्लाइको, ग्लाइको का क्या मतलब है? ग्लाइको वर्ड किसको शो करता है? कार्बोहाइड्रेट्स को। तो ग्लाइको का मतलब हो गया कार्ब्स। मैंने कैलिक्स का भी मतलब बताया हुआ है, लिटरल मीनिंग क्या होता है, कैलिक्स का लिटरल मीनिंग क्या होता है, किसको याद है? यस, बिल्कुल ठीक है। कैलिक्स कहते हैं वर्ल को, या अगर इसको उर्दू में कहें तो घेरा, किसी भी चीज का जो घेरा या सराउंडिंग है उसको कैलिक्स कहते हैं। तो क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट, इससे याद रखें ग्लाइकोकैलिक्स की जो बेसिक नेचर है वो कार्बोहाइड्रेट होगी, कॉम्प्लेक्स सा ये घेरा होगा सेल के इर्द गिर्द, और ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब ये जो दो फॉर्म्स होती हैं जो ग्लाइकोकैलिक्स की हैं, या तो सेल वॉल के बाहर कैप्सूल की फॉर्म में मौजूद होगा, या फिर ये सेल वॉल के बाहर स्लाइम की फॉर्म में मौजूद होगा। यानी ग्लाइकोकैलिक्स की दो बेसिक फॉर्म्स होती हैं, कैप्सूल एंड स्लाइम। अब इसमें फर्क क्या है? अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स की लेयर जो कैप्सूल होगा और स्लाइम, इसमें हम डिफरेंस देख लेते हैं, अटैचमेंट विद सेल वॉल, कि जो कैप्सूल होगा, हम ग्लाइकोकैलिक्स की डिटेल पढ़ रहे हैं, तो कैप्सूल की जो सेल वॉल के साथ अटैचमेंट होती है दैट इज टाइट। इफ ग्लाइकोकैलिक्स इज टाइटली इफ ग्लाइकोकैलिक्स is tightly attached to cell wall, तो इसको आप कैप्सूल कहेंगे। और अगर ग्लाइकोकैलिक्स लूजली अटैच्ड होगा तो आप इसको स्लाइम कहेंगे। यानी जो कैप्सूल होता है उसकी अटैचमेंट सेल वॉल के साथ कंपैरेटिवली टाइट होती है, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, और जो स्लाइम होता है इसकी अटैचमेंट सेल वॉल के साथ लूज होती है। एक डिफरेंस ये हो गया। फिर उसके बाद कैप्सूल और स्लाइम का फंक्शन क्या होगा? ठीक है, ये बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया डिपेंड कर सकते हैं, मतलब वेरिएशन स्लाइट हो सकती है। फंक्शन से भी पहले हम देख लेते हैं कि ये सेल को अपीयरेंस कैसी देंगे। कैसी अपीयरेंस देते हैं जो, या सेल को नेचर कैसी प्रोवाइड करते हैं? नेचर और अपीयरेंस टू सेल। जो कैप्सूल होता है ये टाइटली अटैच्ड होता है और ये सेल को स्टिकी नेचर और गमी अपीयरेंस, ठीक है, स्टिकी और गमी अपीयरेंस प्रोवाइड करेगा सेल को। जबकि जो स्लाइम होता है वो लूजली अटैच्ड होता है और स्लिपरी अपीयरेंस देता है। थर्ड पॉइंट, कैप्सूल और स्लाइम में से ज्यादा आसानी से रिमूवल किसका हो सकता है? रिमूवल फ्रॉम सेल ज्यादा आसान किसका होगा? तो जो लूजली अटैच्ड है, क्योंकि स्लाइम लूजली अटैच होता है तो इसको ज्यादा आसानी से, मोर ईज, जबकि जो
कैप्सूल होता है इसका रिमूवल कम आसानी से होगा, यानी कि एज कंपेयर टू स्लाइम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कैप्सूल के और स्लाइम के फंक्शंस कि भाई ये दोनों का ग्लाइकोकैलिक्स में मौजूदगी क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है। अच्छा जी, इनकी जिस तरह मैंने कहा कि कंपोजिशन वेरी कर सकती है, स्लाइम की फॉर्म में और कैप्सूल की फॉर्म में ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। असल में होता यह है कि बैक्टीरिया के ऊपर एक कवर आ जाता है, और देखें जो स्लाइम और कैप्सूल है ये कवर है, तो एक तो इन्होंने इनको एडहीजन में हेल्प करना है स्टिकी नेचर की वजह से, स्लिपरी नेचर की वजह से ये उसको कवर कर लेता है और उसको इम्यून सिस्टम के सेल से बचा लेता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स के दो मेन फंक्शंस हैं, एक तो स्टिकी नेचर की वजह से एडहीजन प्रोवाइड करना, जो कि स्पेसिफिकली कैप्सूल का फंक्शन होगा। एडहीजन की वजह से बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक एरिया पर, ज्यादा सारी उनकी स्पीशीज या ज्यादा सारे टाइप के बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया की कलोनी ग्रो करती है उनको बोला जाता है बायोफिल्म्स। एडहीजन की वजह से बैक्टीरियल कलोनी बनती है जिसको बायोफिल्म कहा जाता है, और इस ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से जो बायोफिल्म्स वाले होते हैं बहुत ढीठ किस्म के बैक्टीरिया होते हैं। जैसे दांतों में हम अक्सर देखते हैं कि ब्रश अगर फ्रीक्वेंटली ना किया जाए तो दांतों में कीड़ा लगना शुरू हो जाता है, वो बायोफिल्म्स होती हैं। स्लाइम लूजली और स्लिपरी नेचर का होता है, तो इसका जो सबसे अहम फंक्शन है दैट इज टू प्रिवेंट फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस से कैसे बचाएगा, क्योंकि इसने बैक्टीरिया की सेल वॉल को कवर किया होगा, और बैक्टीरिया को हमारे जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं मैक्रोफेजेस या न्यूट्रोफिल्स, तो वो उसको इतना इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो जब पैथोजेनिसिटी फेगोसाइटोसिस से बचा रहा होगा स्लाइम, तो ये असल में क्या कर रहा होगा, इट विल बी प्रोवाइडिंग या इट विल बी इंक्रीजिंग पैथोजेनिक नेचर ऑफ दोज बैक्टीरिया जिनके पास स्लाइम होगा। यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास स्लाइम नहीं है वो लेस पैथोजेनिक होंगे एज कंपेयर टू दोज बैक्टीरिया जिनके पास स्लाइम है, क्योंकि स्टिकी नेचर होती है ना। स्टिक होने का मतलब गम होने, जिस तरह च्युइंगम है जो हम गम खाते हैं वो चिपक जाती है, तो ये भी कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से स्टिकी नेचर रखता है, ठीक है। और स्टिकी नेचर का मतलब है स्टिक कर जाना, तो ये स्टिक कर जाता है। यस, कैप्सूल भी बचा सकता है फेगोसाइटोसिस से, क्योंकि उसने भी कवर किया होता है, लेकिन जो कैप्सूल है उसका जो मेन पर्पस है वो स्टिकी नेचर देके एडहीजन करना है और बायोफिल्म्स बनानी है। यस, बायोफिल्म्स की फॉर्म में ये भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसी तरह स्लाइम का मेन फंक्शन है कि वो लूजली एक स्लिपरी नेचर का कोट सा बना देता है, और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन यानी कि जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, डिजीजेस कॉज करते हैं, उनमें से जो नोटोरियस टाइप के बैक्टीरियाज हैं उनके पास स्लाइम होता है। तो ये जो हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स था, स्लाइम और कैप्सूल, इसकी हमने डिटेल पढ़ ली कि अटैचमेंट कैसी होगी, नेचर कैसी होगी, रिमूवल कैसा और इनके फंक्शंस क्या हैं। अब हम डिटेल पढ़ते हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल की। जो बैक्टीरियल सेल वॉल है इट इज एन एक्सटेंसिव टॉपिक। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्या ये सब में प्रेजेंट है। तो बैक्टीरियल सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, इनफैक्ट मोस्ट की बजाय भी कह देना चाहिए इट इज प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया,
except mycoplasmas. हमारी book information है उसके मुताबिक हम ये कह देते हैं कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है इट इज प्रेजेंट, क्योंकि ये आउटर मोस्ट कवर है, सब में प्रेजेंट होगी लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आ जाएगी माइकोप्लाज्मा की. दूसरी बात, बैक्टीरियल सेल वॉल की कंपोजिशन जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है, क्योंकि हम ओवरऑल सारी सेल वॉल्स की बात कर रहे हैं तो इसकी कंपोजिशन काफी डाइवर्स हो जाएगी. ठीक है, मैं इसकी कंपोजिशन में जो जो चीजें आती है उनको मेंशन करता हूं. वी ऑल नो बैक्टीरिया की सेल वॉल में मौजूद होता है पेप्टिडोग्लाइकेन. बैक्टीरिया की सेल वॉल में मौजूद हो सकते हैं लिपोपॉलीसेकेराइड्स. ठीक है, बैक्टीरिया की सेल वॉल में हो सकते हैं टेकोइक एसिड. बैक्टीरिया की सेल वॉल में टेकोइक एसिड की ही एक टाइप हो सकती है जिसको हम कहते हैं लाइपोटेकोइक एसिड. ये मैं ओवरऑल कंपोजिशन लिख रहा हूं बैक्टीरियल सेल वॉल की. तो लाइपोटेकोइक एसिड इसमें हो सकता है बैक्टीरियल सेल वॉल में. अच्छा जी, टेकोइक, लाइपोटेकोइक, लिपोपॉलीसेकेराइड्स, देन लिपोप्रोटीन्स हो सकते हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल में. तो बैक्टीरिया में बहुत तरह के बैक्टीरिया आ जाते हैं. जो बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया वो भी हम पढ़ते हैं. बैक्टीरिया में आर्की बैक्टीरिया भी आ जाते हैं. तो बैक्टीरिया में कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल में पॉलीसेकेराइड्स भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने ओवरऑल बैक्टीरिया की बात की है. ठीक है कि जी, बैक्टीरिया जितनी भी तरह के होंगे चाहे वो किस भी किस्म के हों उनकी सेल वॉल में क्या क्या चीजें हो सकती हैं. अब देखिए, अब हमने इतने सारे कंपोनेंट्स लिख लिए, ये सेवन कंपोनेंट्स आ गए, सेवन कंपोजिशनल लिस्ट में आ गए. अब मुझे बताइए कि बैक्टीरिया में ये मैंने जितने भी कंपोजिशन लिखे हैं, अगर ये कहा जाए बैक्टीरियल सेल वॉल इज चीफली कंपोज्ड ऑफ, तो क्या आंसर होगा? बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड और चीफली कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन होगा. पहली बात तो हमने ये कहा कि लाजमी नहीं है कि सब बैक्टीरिया में सेल वॉल हो, लेकिन जितने बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है उनमें ज्यादातर में पेप्टिडोग्लाइकेन मेन मटेरियल होता है, लेकिन सब में नहीं होता. ठीक है, नॉट इन ऑल पेप्टिडोग्लाइकेन, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं भी होगा, लेकिन ज्यादातर में है. इसलिए हम जब भी बैक्टीरिया की सेल वॉल की कंपोजिशन की बात करते हैं तो पेप्टिडोग्लाइकेन का जिक्र आता है. अब जो लिपोपॉलीसेकेराइड्स हैं ये बैक्टीरिया की सेल वॉल में होते हैं, लेकिन किस में होंगे? लिपोपॉलीसेकेराइड्स आर प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव. टेकोइक और लाइपोटेकोइक एसिड होते हैं इन ग्राम पॉजिटिव. पेप्टिडोग्लाइकेन ग्राम पॉजिटिव में भी होता है, ग्राम नेगेटिव में भी होता है. इसी तरह जो लिपोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, ये भी कॉमन होते हैं इन ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज इन ग्राम नेगेटिव. जो सिंपल पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन्स होते हैं वो बैक्टीरिया की एक टाइप है जिनको बोला जाता है आर्की बैक्टीरिया, यानी कि ओल्ड बैक्टीरिया.
उनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से नहीं बनी होती, जो आर्की बैक्टीरिया है उनकी सेल वॉल पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन से बनी होगी। तो आर्की बैक्टीरिया दे लैक, जिस तरह ने अभी कहा कि सब बैक्टीरिया के पास पेप्टिडोग्लाइकेन होना लाजमी नहीं होता, आर्की बैक्टीरिया लैक पेप्टिडोग्लाइकेन और इनकी सेल वॉल में पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन्स होते हैं। ये कंपोजिशन है। फिर उसके बाद इसकी डिफरेंट बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। मेनली जो सेल वॉल की बैक्टीरिया में क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है, क्रिश्चियन ग्राम की बनाई हुई, जिसके मुताबिक बैक्टीरिया की सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव हो सकती है। कहते हैं क्रिश्चियन ग्राम की टेक्निक है जिसको हम ग्राम स्टेनिंग कहते हैं, उसके मुताबिक दिस सेल वॉल कैन बी ग्राम पॉजिटिव और इट कैन बी ग्राम नेगेटिव। अच्छा जी, फिर उसके बाद मुझे बताइए कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है इसका फंक्शन क्या होगा। व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल? यस, शेप प्रोवाइड करेगी, ठीक है। वही फंक्शंस हैं जो बैक्टीरिया की सेल वॉल के फंक्शंस हो सकते हैं या जो ओवरऑल किसी भी सेल वॉल के फंक्शंस होते हैं। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल के फंक्शंस होंगे, इसने बैक्टीरिया के सेल को शेप प्रोवाइड करनी है, इसने बैक्टीरिया के सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, इसने बैक्टीरिया के सेल को प्रिवेंट करना है फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। इट प्रिवेंट्स फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। ऑल राइट, तो ये बैक्टीरिया की सेल वॉल के फंक्शंस हो गए। अभी हमने ओवरऑल सेल वॉल की देखी कि प्रेजेंस, एब्सेंस, कंपोजिशन क्या होगी, क्लासिफिकेशन, फंक्शंस। अब हम, ठीक है, अभी हमने जिस तरह ये बैक्टीरिया का हम सेल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, अब हम बैक्टीरिया में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल का पढ़ेंगे डिफरेंस। तो क्रिश्चियन ग्राम की स्टेनिंग टेक्निक के मुताबिक जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, बिकॉज ऑफ स्टेनिंग रिजल्ट, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल डिफरेंस है इसलिए जब स्टेन किया जाता है तो उसमें भी डिफरेंस आता है। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव इन सेल वॉल्स में क्या डिफरेंस होंगे? सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल डिफरेंस देखते हैं। देखिए जी, हम सबको पता है कि जो सेल वॉल है वो एक्सटर्नल टू सेल मेम्ब्रेन होती है। हमें पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज अ फॉस्फोलिपिड बायलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन एम्बेडेड प्रोटीन, ठीक है, तो ये फॉस्फोलिपिड की एक लेयर हो गई। इसी तरह एक लेयर दूसरी साइड पे होगी। ओवरऑल इसको हम कहेंगे कि सेल मेम्ब्रेन इज अ फॉस्फोलिपिड बायलेयर। अब ग्राम पॉजिटिव सेल हो या ग्राम नेगेटिव हो, कोई भी सेल हो, हमें ये पता है कि किसी भी तरह का सेल होगा तो उसमें सेल मेम्ब्रेन लाजमी तौर पे मौजूद होगी, ठीक है, और ये फॉस्फोलिपिड बायलेयर। अच्छा जी, अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इनमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर ही होगी ना सेल वॉल। अब इसकी सेल वॉल कुछ इस तरह से होती है ग्राम पॉजिटिव में के सेल वॉल हम जैसे कहते हैं कि ये पेप्टिडोग्लाइकेन है। पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है? शुगर्स हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन। अब ये जो शुगर्स होती हैं ये आपस में इस तरह ग्लाइकेन चेन्स की फॉर्म में जुड़ी हुई होती है। जैसे यहां पर मैंने एक जो है वो
ग्लाइकन चेन ड्रॉ कर दी ऊपर, इसके बाद इसको मैं अब स्ट्रेट लाइन में शो कर दूंगा. दिस इज वन ग्लाइकन चेन. इसी तरह एक और ग्लाइकन चेन, एक और ग्लाइकन चेन. तो यूं ये ग्लाइकन चेन्स बहुत सारी होंगी. ग्राम पॉजिटिव में जो ये ग्लाइकन चेन्स हैं ये बहुत सारी होती हैं, यानी कि काफी ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव. ठीक है, फिर इन ग्लाइकन चेन्स को क्रॉस लिंक किया होता है, जिसको मैं इस तरह शो कर रहा हूँ, अमाइनो एसिड्स की शॉर्ट चेन्स ने. क्रॉस लिंकिंग अमाइनो एसिड्स की शॉर्ट चेन्स करती हैं. अमाइनो एसिड की शॉर्ट चेन की वजह से, इसको मैं बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, अमाइनो एसिड्स की, सबको स्क्रीन नजर आ रही है? जी सबको नजर आ रही है. जैन आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, आपके तरफ मसला है, बाकी पूरी क्लास को स्क्रीन दिखाई दे रही है. तो और काइंडली प्लीज बीच में इस तरह मत टोका करें. जो अगर स्क्रीन का इशू है, आवाज का इशू आपके अपने इंटरनेट की वजह से आ रहा है, तो उसको रेक्टिफाई किया करें. थैंक यू. तो इसमें इन शॉर्ट चेन्स की वजह से इसको पेप्टिडो कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट की वजह से ग्लाइकेन कहेंगे. तो इसमें ग्राम पॉजिटिव में ये जो ओवरऑल अमाइनो एसिड्स की चेन और ये जो ग्लाइकेन चेन्स हैं, इसको बोला जाता है पेप्टिडो ग्लाइकेन. अच्छा, फिर उसके बाद यहां पर इसी सेल वॉल के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन एम्बेडेड, जिनको बोला जाता है टेकोइक एसिड. कुछ टेकोइक एसिड के मॉलिक्यूल्स, नॉट ऑल, इनमें से टेकोइक एसिड के कुछ मॉलिक्यूल्स सेल वॉल को इस पूरी पेप्टिडोग्लाइकेन से ऑल द वे क्रॉस करके जा रहे होंगे सेल मेम्ब्रेन तक. ऐसे टेकोइक एसिड के मॉलिक्यूल्स को बोला जाएगा लाइपो टेकोइक एसिड, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन के लिपिड पोर्शन के साथ कनेक्टेड होंगे. ठीक है, इसी तरह इस सेल मेम्ब्रेन के साथ, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के साथ इस जगह पर कुछ प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़े होंगे, इसलिए इनको बोला जाएगा लिपो प्रोटीन. सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में ये जो स्पेस है, ये पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसको बोलेंगे पेरी प्लाज्मिक स्पेस. और इसी को हम जो डायग्राम्स हैं उनसे इसको कंपेयर करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव को. अच्छा जी, अब ग्राम नेगेटिव सेल वॉल को देखते हैं. तो बिल्कुल ग्राम नेगेटिव सेल वॉल के नीचे मौजूद होगी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन, जिसके बारे में हम जानते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो फॉस्फोलिपिड बायलेयर होगी, जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड हैं. इस फॉस्फोलिपिड बायलेयर के बाहर मौजूद होगी ग्राम नेगेटिव सेल वॉल, जो कि डिफरेंस शो करती है स्टेनिंग टेक्निक में बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन स्ट्रक्चर. पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो होती है उसमें कोई फ्लूइड नहीं, आप सिर्फ पेरिप्लाज्मिक स्पेस पे फिलहाल ध्यान दें, अभी फ्लूइड्स वगैरह की बात नहीं करेंगे. इसी तरह इसके बाहर भी पेप्टिडोग्लाइकेन की सिमिलर फैशन में, जैसे यहां पर था, मैं स्ट्रेट लाइन से शो कर रहा हूं, तो ये लेयर्स होंगी.
and that's it. So this is peptidoglycan of gram negative cell wall. ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में सिर्फ एक पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर नहीं होती. ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर के बाहर एक और लेयर होती है और ये लेयर फॉस्फोलिपिड्स की होती है. ठीक है, यानी के ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में ऑब्वियसली सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल है. ठीक है, तो बोथ ऑफ दीज आर सेल मेम्ब्रेन्स. तो सेल वॉल की एक लेयर पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है, और फिर जो होगी उसमें ये ठीक है दीज आर लिपिड्स. तो हम फॉस्फोलिपिड बायलेयर्स, ठीक है, उसी पैटर्न पे जिस तरह के ये सेल मेम्ब्रेन में होती हैं. तो ये दूसरी लेयर होगी. इसमें कुछ लिपिड्स के साथ कार्बोहाइड्रेट्स की चेन्स इस तरह से अटैच होंगी. जिस लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट की चेन अटैच हो उनको बोलते हैं लिपोपॉलीसेकेराइड्स. ठीक है, तो इस तरह ये कार्बोहाइड्रेट्स की चेन्स अटैच होंगी जिसकी वजह से आउटर लेयर को बोला जाता है कि ये लिपोपॉलीसेकेराइड की बनी हुई लेयर है. मोर ओवर आउटर लेयर में क्योंकि ये लिपोपॉलीसेकेराइड हो गई, लिपिड की लेयर हो गई, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स के लिए स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स मौजूद होते हैं और वो पोर्स के तौर पे काम करते हैं. इनको बोला जाता है पोरेंस. ऑलराइट, तो ये जो आउटर लेयर है इट इज बेसिकली लिपिड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स. यहां से फर्क भी याद रखें कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है दैट इज लिपिड्स, दैट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, जबकि जो बैक्टीरिया की आउटर सेल वॉल है वो लिपिड्स और प्रोटीन्स नहीं है, वो लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसको बोलेंगे लिपोपॉलीसेकेराइड. और इस जगह पर बिल्कुल इसी पैटर्न पे कुछ प्रोटीन्स भी मौजूद होंगे जो कि इस लिपिड्स के साथ और यहां पर सेल वॉल से अटैच होंगे जिनको बोला जाएगा लिपोप्रोटीन्स. ठीक है जी, तो ये हमारे पास ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल का स्ट्रक्चर आ गया. अब हमने कुछ क्राइटेरिया की बेस पे इनको डिफरेंशिएट करना है और जो कि अब हम इजीली याद भी रह सकेंगे हमें. पॉइंट नंबर वन, नंबर ऑफ मेजर लेयर्स. तो आप ना इस कंपैरिजन को इन्हीं पॉजिटिव और नेगेटिव के नीचे मेंशन करता जा रहा हूं. नंबर ऑफ लेयर्स, नंबर ऑफ मेजर लेयर्स. इधर से देख के बताइए, ग्राम पॉजिटिव में सेल मेम्ब्रेन को नहीं काउंट करना, सेल वॉल को देखना है. तो मुझे बताएं कि आपको इस डायग्राम में नंबर ऑफ लेयर्स कितनी नजर आ रही है ग्राम पॉजिटिव में. कि भाई इसकी सेल वॉल में एक लेयर पेप्टिडोग्लाइकेन की है, क्या उसके अलावा भी कोई लेयर है? तो पेप्टिडोग्लाइकेन जो होता है
वो काफी थिक होता है, लेकिन इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन की क्योंकि एक ही लेयर नजर आ रही है, इसलिए नंबर ऑफ लेयर्स वन हो जाएगी ग्राम पॉजिटिव में। ग्राम नेगेटिव का बताएं, उसमें नंबर ऑफ लेयर्स या मेजर लेयर्स कितनी होंगी? तो टू लेयर्स, वन विच इज आउटर पॉलीसेकेराइड, टू विच इज इनर पेप्टिडोग्लाइकेन। तो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में दो डिस्टिंक्ट लेयर्स होती हैं, आउटर लेयर होती है लिपोपॉलीसेकेराइड की, इनर लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। तो नंबर ऑफ मेजर लेयर्स टू, एक डिफरेंस तो ये हो गया जी। सेकेंड पॉइंट, नंबर ऑफ लेयर्स के बाद पेप्टिडोग्लाइकेन की बेस पे और नंबर ऑफ लेयर्स के साथ कंपैरिजन करें तो आपको इन दोनों में से कौन सी लेयर ज्यादा थिक नजर आ रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव? ज्यादा थिकनेस किसकी है? यस, ज्यादा थिकनेस ग्राम पॉजिटिव की है। वेरी गुड, यानी कि थिकनेस मोर है ग्राम पॉजिटिव की, लेस है ग्राम नेगेटिव की, इसलिए हम कहेंगे कि इट इज कंपैरेटिवली थिन, कम थिकनेस होती है। देखो भाई, यहां पर पेप्टिडोग्लाइकेन की ढेर सारी लेयर्स हैं, यहां पर बिल्कुल थोड़ी सी हैं, और एक लेयर एक्सटर्नल लिपोपॉलीसेकेराइड की है, जिसका मतलब ये है कि ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल की थिकनेस ज्यादा होगी, बिकॉज इट हैज लॉट्स ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, ढेर सारी लेयर्स हैं, यहां पर बिल्कुल दो तीन लेयर्स होंगी। इनफैक्ट मैंने एक आधी एक्स्ट्रा ही बना दी है। पेप्टिडोग्लाइकन बहुत मामूली सा होता है, यानी कि उसके कंपैरिजन में अगर वहां पर इतना सारा बनाया तो यहाँ पर बिल्कुल मामूली सा होगा, और एक लेयर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर की होगी, जिसकी वजह से जो ओवरऑल थिकनेस है वो पॉजिटिव की ज्यादा होती है, 20 to 80 nanometers होती है, और जो ग्राम नेगेटिव होती है वो अप टू 10 nanometers तक थिक हो सकती है। पॉइंट नंबर थ्री, थिकनेस के बाद देखते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लेयर्स टू है ना, इसमें नंबर ऑफ लेयर्स वन है, तो हम इसकी केमिकल केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं कि ग्राम पॉजिटिव सेल मेम्ब्रेन में कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे। तो यहां से शुरू करते हैं, ग्राम पॉजिटिव में ये देखिए, ये पॉजिटिव है, केमिकल कंपोजिशन में आ जाएगा पेप्टिडोग्लाइकेन, जो कि इनफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, फिर उसके बाद टेकोइक एसिड, लाइपोटेकोइक एसिड, जो कुछ डायग्राम में दिख रहा है उसको यहां पर नीचे मेंशन कर देंगे, पेप्टिडोग्लाइकेन, टेकोइक एंड लाइपोटेकोइक। ग्राम नेगेटिव में देखें, पेप्टिडोग्लाइकेन, लिपोपॉलीसेकेराइड्स, ठीक है, और ये लिपोप्रोटीन्स, इसमें कम होते हैं, इसमें कंपैरेटिवली ज्यादा होंगे। तो इसकी कंपोजिशन में पेप्टिडोग्लाइकेन तो है ही, ठीक है, लेकिन कम है एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव, पेप्टिडोग्लाइकेन इज लेस यहां पर ज्यादा होगा दोनों के कंपैरिजन में। उसके अलावा क्योंकि दो लेयर्स हैं तो लिपो पॉलीसेकेराइड लेयर भी होगी, और लिपो पॉलीसेकेराइड्स के अलावा ये लिपो प्रोटीन्स भी होंगे।
अच्छा जी, केमिकल कंपोजिशन के बाद नंबर फोर, यहां पर मैंने मेंशन किया था पेरिप्लाज्मिक स्पेस, ठीक है। तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस की बात कर लेते हैं। पेरिप्लाज्मिक स्पेस मैंने बताया कि ये जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान जो जगह है, इसको हमने पेरिप्लाज्मिक स्पेस कह दिया। तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस ग्राम पॉजिटिव में होती है, लेकिन सब में नहीं होती, नॉट इन ऑल, कुछ में होगी। जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो इसमें आप देखें कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान यहां पर भी पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, दिस वन पेरिप्लाज्मिक, और ये पेप्टिडोग्लाइकेन और एक्सटर्नल लेयर के दरमियान भी पेरिप्लाज्मिक स्पेस है। तो दो जगहों पर है, आउटर लेयर और पेप्टिडोग्लाइकेन के दरमियान, देन बिटवीन पेप्टिडोग्लाइकेन एंड सेल मेम्ब्रेन। पेरिप्लाज्मिक स्पेस ग्राम नेगेटिव में भी होगी, पेरिप्लाज्मिक स्पेस इज प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव एंड इट इज प्रेजेंट इन ऑल, ठीक है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस के बाद कुछ और डिफरेंसेस को यहां पर ऐड कर लेते हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर फाइव, इसमें हम देख लेंगे कि मेजर लेयर्स की हमने बात की थी, तो आउटर वॉल या कोई सेल वॉल के बाहर एक्सटर्नल लेयर होती है तो ग्राम पॉजिटिव में नहीं होती, एब्सेंट, ग्राम नेगेटिव में होगी, प्रेजेंट। क्योंकि ग्राम नेगेटिव में ये जो आउटर लेयर है ये लिपोपॉलीसेकेराइड्स की है, जिसको मैंने यहां पर आउटर मेंशन किया था। अच्छा जी, फाइव पॉइंट नंबर सिक्स, पोरेंस जो कि आउटर वॉल में होते हैं, तो यहां पर आउटर वॉल क्योंकि है ही नहीं इसलिए एब्सेंट होंगे, यहां पर आउटर वॉल मौजूद है इसलिए प्रेजेंट होंगे। पेरिप्लाज्मिक स्पेस का डिफरेंस हो गया आउटर वॉल, और आउटर वॉल जो है वो पोरेंस से रिलेटेड है। ओवरऑल लिपिड कंटेंट या लिपोप्रोटीन्स देखे जाएं दोनों में, तो वो ग्राम पॉजिटिव में ऑब्वियसली लेस होंगे लिपोप्रोटीन की शक्ल में, लेकिन ग्राम नेगेटिव की तो देखिए, ये जो आउटर लेयर है ग्राम नेगेटिव की, ये तो बनी ही लिपिड्स लिपोपॉलीसेकेराइड से है। इसका मतलब ये है, क्योंकि ये बनी ही लिपोपॉलीसेकेराइड से है, तो इसमें लिपिड्स का कंटेंट ओवरऑल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव। फिर यहां पर मैंने पेप्टिडोग्लाइकेन का डिफरेंस भी बता दिया कि मोर होता है, उसको हम सेपरेटली भी देख लेते हैं। फेडरल की बुक में ये टेबल मौजूद है, हमने डायग्रामेटिकली इसको समझ लिया है। पेप्टिडोग्लाइकेन ज्यादा होता है ग्राम पॉजिटिव में, लेस होता है ग्राम नेगेटिव में। इन दोनों मेम्ब्रेन्स में से जो ज्यादा परमीएबिलिटी है, ठीक है, परमीएबिलिटी का डिफरेंस ऐड कर लेते हैं। परमीएबल ज्यादा कौन सी है, तो परमीएबल ज्यादा ग्राम पॉजिटिव होती है क्योंकि उसके पास आउटर लेयर नहीं होती,
लेस परमिएबल ग्राम नेगेटिव होती है। ग्राम नेगेटिव लेस परमिएबल क्यों होती है? उसकी वजह यह है कि उसमें इस पेप्टिडोग्लाइकेन उसकी वजह यह है कि उसमें इस पेप्टिडोग्लाइकेन के अलावा एक आउटर लेयर भी मौजूद है। इस आउटर लेयर की वजह से उसकी परमिएबिलिटी कम होती है और ग्राम पॉजिटिव जो होगी उसकी परमिएबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है जी। और लास्ट इसमें रेजिस्टेंस देख लिया जाए कि कौन सी सेल मेम्ब्रेन है जो के बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स या बाकी चीजों से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। तो रेजिस्टेंस लेस होगी इसकी, ग्राम नेगेटिव सेल वॉल इज मोर रेजिस्टेंस। उसकी भी मेन रीजन आउटर लेयर है लिपोपॉलीसेकेराइड्स की, जो कि उसको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट बनाती है। ठीक है, तो हमने ये ग्लाइकोकैलिक्स और जो सेल वॉल है इसका टॉपिक डिटेल से पढ़ लिया आज। ठीक है, रिमेनिंग हम अपनी नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे।